हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको ट्राई आइडो मेथेन के बारे में बताए थे हम, जिसे आइडो फार्म कहा जाता है। आइए देखते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में। आप पाली हाइलोजन यौगिक पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पिछले वीडियो में डाइक्लोरोमेथेन मेथिलीन क्लोराइड के बारे में, ट्राईक्लोरोमेथेन क्लोरोफार्म के बारे में, ट्राई आइडो मेथेन आइडोफार्म के बारे में, और आज आपको बताया जाएगा टेट्राक्लोरोमेथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में, CCl4। ठीक है, तो ध्यान से समझें। इसका अत्यधिक मात्रा में उत्पादन प्रशीतक बनाने तथा एरोसॉल कैन के लिए प्ररोधक उत्पादन में उपयोग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो अत्यधिक मात्रा में उत्पादन है वह प्रशीतक बनाने में होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन प्रशीतक बनाने में, एरोसॉल कैन के लिए प्ररोधक उत्पादन में उपयोग करने के लिए किया जाता है। इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा अन्य रसायनों के उत्पादन में भी फीड स्टॉक की तरह और औषध उत्पादन में तथा सामान्य विलायक की भांति प्रयुक्त किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात टेट्राक्लोरोमेथेन का अत्यधिक जो उत्पादन है वह प्रशीतक बनाने, ठीक है, प्रशीतक बनाने और एरोसॉल कैन के लिए प्ररोधक उत्पादन में उपयोग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य रसायनों के उत्पादन में भी फीड स्टॉक की तरह और औषधियों के उत्पादन में सामान्य विलायक की भांति यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि औषधियों के उत्पादन में कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किस रूप में होता है, विलायक के रूप में किया जाता है। 1960 के मध्य तक यह उद्योगों में ग्रीस को साफ करने वाले, तो आप देख रहे हैं कि 1960 के मध्य तक इसका यूज किस लिए किया जाता है, उद्योगों में ग्रीस को साफ करने वाले के रूप में किया जाता था, तथा ग्रीस को साफ करने तथा द्रव तथा घरों में दाग धब्बे हटाने वाले द्रव एवं अग्निशामक के रूप में बहुतायत में प्रयुक्त होता था। तो 1960 के समय से आप देख रहे हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज जो है वह ग्रीस को साफ करने के रूप में, द्रव तथा घरों में दाग धब्बे हटाने वाले द्रव एवं अग्निशामक के रूप में बहुतायत से इसे यूज किया जाता था। इस प्रकार कुछ प्रमाण हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के उद्भासन द्वारा मनुष्यों को यकृत का कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का 1960 के समय में ग्रीस को साफ करने वाले द्रव के रूप में, घरों में दाग धब्बे हटाने वाले रूप में, अग्निशामक के रूप में यूज किया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कुछ प्रमाण मिला कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वह मनुष्य को यकृत का कैंसर हो जाता है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक्सपोजर से, उद्भासन से मनुष्य में यकृत का कैंसर हो जाता है। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव हैं चक्कर आना, सिर का हल्कापन, मितली, उल्टी आना आदि, जिससे तंत्रिका कोशिकाओं में अस्थायी क्षति हो सकती है। ठीक है, गंभीर स्थिति में यह प्रभाव शीघ्रता से मूर्छा, गहरी नींद, बेहोशी तथा मृत्यु ला सकता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के उद्भासन से हृदय गति अनियमित हो सकती है अथवा रुक जाती है। आंखों के संपर्क में आने पर इस रसायन से जलन उत्पन्न होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड वायु में निर्मुक्त होने पर ऊपरी वायुमंडल में पहुंच जाती है और ओजोन परत को विरल बना देती है। ओजोन परत के विरलीकरण से मनुष्यों का पराबैंगनी विकिरण से उद्भासन बढ़ जाता है, जिससे त्वचा कैंसर, आंखों की बीमारी तथा विकार एवं प्रतिरक्षा प्रणाली में विदारण होना संभव है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वह 1960 के समय इसको ग्रीस को साफ करने वाले द्रव के रूप में यूज किया जाता था, घरों में दाग धब्बा हटाने के लिए द्रव के रूप में इसका यूज होता था, अग्निशामक में इसका यूज होता था, और उसके बाद यह कुछ प्रमाण आप मिले कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के उद्भासन से मनुष्य में यकृत का कैंसर होता है, और इसके इफेक्ट से कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रभाव से चक्कर आना, सिर का हल्कापन होना, मितली उल्टी आना और तंत्रिका कोशिकाओं में अस्थायी क्षति हो सकती है। इसके अलावा जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड के गंभीर स्थिति में
यह प्रभाव जो है शीघ्रता से मूर्छा ला सकता है, गहरी नींद, बेहोशी, मृत्यु तक हो सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के कारण। कार्बन टेट्राक्लोराइड के उद्भासन से हृदय गति अनियमित हो सकती है अथवा रुक सकती है। तो अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड आँखों के संपर्क में आए तो इससे आँखों में जलन उत्पन्न हो सकता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड वायु में अगर रिलीज हो जाए, मुक्त हो जाए, तो यह वायुमंडल में पहुंच जाता है और ओजोन परत से अभिक्रिया करता है, जिससे ओजोन परत पतला हो जाता है और इसके कारण जो है पराबैंगनी किरणें, ठीक है, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगती हैं, जिससे मनुष्य के शरीर पर इसका इफेक्ट होता है। त्वचा का कैंसर, आँखों की बीमारियाँ, विकार एवं प्रतिरक्षा प्रणाली में रोग होना कार्बन टेट्राक्लोराइड के कारण हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक खतरनाक रसायन है, जिससे मनुष्य को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेयान के बारे में। फ्रेयान क्या होता है? पाली हैलोजन यौगिक आप पढ़ रहे हैं, पाली हैलोजन यौगिक में पांचवा है आपका फ्रेयान। फ्रेयान ध्यान से समझें,